വിവേചനം. शून्य से अनंत तक कहानी गणित की. मानवता और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथ गए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते. लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी छूट जाती है. आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है. विज्ञान ही नहीं, कलाएं भी इसी गणित पर टिकी हैं. ये जो आप सुन रहे हैं ये है 16 बीट्स यानी मात्राओं वाला तीन ताल. एक ज्यादा या एक कम, ये संगीत से शोर में बदल जाएगा. महान यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने संगीत और गणित का रिश्ता ईसा मसीह की पैदाइश से कई सौ साल पहले खोज लिया था. स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला सब गणित के नियमों से चलते हैं. आकार और अनुपात को समझे बिना किसी तरह की कोई रचना संभव ही नहीं. वैज्ञानिक बताते हैं कि कौवे से लेकर चिंपांजी तक कई जीव जंतु 5 से 7 तक गिन सकते हैं. इंसान ने पहले पहल कहां और कब गिनना शुरू किया ये कोई नहीं जानता. लेकिन सबसे पहले लिखने और अंकों को अंकित करने के प्रमाण आज के इराक, जिसे तब बेबिलोनिया कहा जाता था, वहां और मिस्र में मिलते हैं, जहां लोग अंकों को मिट्टी की पट्टी या भोजपत्र जैसे पत्तों पर लिखते थे. इस धरती पर इंसान की बनाई हुई सबसे पुरानी चीजों में से एक है मिस्र के पिरामिड. अब से तकरीबन 5000 साल पहले बने पिरामिड इस बात का अंदाजा देते हैं कि ज्यामिति या ज्योमेट्री का विकास भी काफी पहले शुरू हो गया था. जाने माने गणितज्ञ मार्कस दू सौते समझाते हैं कि ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बन सकते थे. For me, the most impressive thing about the pyramids is the mathematical brilliance that went into making them. मेरी नज़र में पिरामिड की सबसे खास बात उसे बनाए जाने में गणित का अद्भुत इस्तेमाल है. ये प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के फॉर्मूले का व्यवहारिक रूप है. प्राचीन मिस्र में एक परफेक्ट समकोण या राइट एंगल बनाने के लिए बराबर दूरी पर गांठ लगी रस्सी का इस्तेमाल नापने के लिए किया जाता था. इसका फॉर्मूला था, पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी 4 गांठ लंबी और तीसरी 5 गांठ लंबी. 5000 साल पहले पत्थर, रस्सी, लोगों की मेहनत और गणित के जादू से बने चमत्कारी पिरामिड. मिस्र से करीब 7000 किलोमीटर दूर चीन. गणित की कहानी का अगला पड़ाव ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. हजारों किलोमीटर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही. चीन की दीवार का पहला पत्थर अब से कोई 2500 साल पहले रखा गया होगा. ऊंची नीची जमीन पर सुरक्षा के लिहाज से मजबूत दीवार बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी चुनौती है. चीनियों के इस कमाल के पीछे भी गणित ही है. गणितज्ञ मार्कस दू सौते. The ancient Chinese realized they had to make calculations about distances, angles of elevation and amounts of material. दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी और उसमें लगने वाले सामान की मात्रा, इन सब का हिसाब लगाया जाना जरूरी था. इंसान शुरुआत से गिनती के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता रहा है. चीनियों का गणित बांस के टुकड़ों के सहारे चलता था. मिस्री, यूनानी या बेबीलोन वालों के मुकाबले एक होशियारी चीनियों ने की, वो था कॉलम बनाना. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह बहुत बड़ी संख्याएं आसानी से जोड़ी घटाई जाने लगी. इसे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं. आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड तो बन गए, मगर गणित अब भी अधूरा था. चीनी जोड़ने घटाने के लिए प्लेस वैल्यू सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रहे थे, लेकिन जब बड़े अंक लिखने होते थे तो उसके लिए उन्हें चित्रों का सहारा लेना पड़ता था. मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, यूनान, चीन, हर जगह लोग अपने कदमों, हाथों की लंबाई या बित्ते से नाप तोल कर रहे थे.
कई पत्थर, कहीं बांस, कहीं मिट्टी की गीली पट्टी या रेत पर हिसाब लगाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आया भारत में, जिसने गणित की दुनिया और दुनिया के गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीनी बेबीलोन वाले भी करते थे, लेकिन भारत के लोगों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। मगर कहानी का ट्विस्ट ये नहीं था। इंसान के हाथों में 10 उंगलियां थी। वह 10 और दहाई को भी समझता था, सैकड़े को भी, लेकिन उसे लिखा पहली बार भारत ने, उसे एक अंक के तौर पर भारत ने देखा। मार्कस दुसौते बताते हैं, The Indians transformed zero from a mere placeholder. भारत ने शून्य को पूरा नया रूप दे दिया। ये पहले सिर्फ प्लेस होल्डर के तौर पर था। मिस्र और बेबीलोन वाले शून्य की जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया, शून्य से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़े से बड़े अंक को लिखना, उन्हें जोड़ना घटाना अचानक बहुत आसान हो गया, और गणित के पहिए को मानो इंजन मिल गया। शून्य का विचार भारत के लिए सहज स्वाभाविक था। उसकी जड़ें हिंदू दर्शन में पहले से मौजूद थीं। मार्कस कहते हैं, In the religions of India, the universe was born out of nothingness, and nothingness is the ultimate goal. भारत में धार्मिक मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है, और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाता है। जब जीरो को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया गया, तो उसके लिए नाम पहले से हिंदू दर्शन में मौजूद था, शून्य, यानी कुछ भी नहीं। 7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने का जो तरीका दिया, वो आज भी चलन में है और पूरी दुनिया में स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वो ये कि 1 में शून्य जोड़ने पर 1 ही रहेगा, 1 में से शून्य घटाने पर भी 1 ही रहेगा, शून्य से गुना करने पर 0 ही रहेगा। लेकिन शून्य से जुड़ा दूसरा चमत्कार भी भारत में ही हुआ, ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद। ब्रह्मगुप्त सब कुछ बता गए थे, मगर एक बात रह गई थी, शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर क्या होगा। इस सवाल का उत्तर दिया 12वीं सदी के एक गणितज्ञ भास्कर ने। उन्होंने बताया कि शून्य से भाग देने पर परिणाम होगा अनंत। ये अनंत भी हिंदू दर्शन की ही कल्पना थी, जिसमें ईश्वर का स्वरूप अनंत बताया गया है। अनंत के आइडिया को कुछ इस तरह समझ सकते हैं। Brahmagupta's rules about calculating with zero are taught in schools all over the world to this day. अगर आप एक फल को एक बार काटेंगे तो वो 2 हो जाएगा। इस तरह 2 से 4, 8, 16 और 32, इस तरह ये क्रम बढ़ता जाएगा, और आखिर में जब फल का आकार 0 हो जाएगा, उसके बाद उसे और टुकड़ों में काटेंगे तो अनंत टुकड़े होंगे, जिन्हें गिनना संभव नहीं होगा। 0 और अनंत के बाद एक और कमाल भारत में ही होना था। दरअसल भारत दुनिया का पहला देश था जिसके दार्शनिकों ने इस बात को समझा कि अंक सिर्फ गिनने, जोड़ने या घटाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे अदृश्य और अमूर्त इकाइयां हैं जो मानवीय कल्पना की गुलाम नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र हैं, उनका अपना अस्तित्व है। यही वजह थी कि भारत ने दुनिया को निगेटिव नंबर का आइडिया दिया। मार्कस दुसौते कहते हैं कि भारत के गणितज्ञ नेगेटिव नंबर के सिद्धांत से परिचित थे। इस मामले में वे यूरोप से बहुत आगे थे। इसे वे ऋण कहते थे, यानी कर्ज। इसी से शब्द बना ऋणात्मक अंक। जैसे 3 में से 4 घटाने पर क्या होगा, वो 0 नहीं होगा, वो -1 होगा। ये विचार भी भारत का था। Now, a plus b the whole squared, right? Okay. So if I have a line, समीकरणों यानी इक्वेशन का इस्तेमाल यूनानी, मिस्री, बेबीलोन वाले और चीनी भी कर रहे थे, और अपने अपने तरीके से कर रहे थे। अंक गणित, ज्यामिति और समीकरण, ये सब आपको अब जटिल लग रहे होंगे। ठहरिए, एक और जरूरी चीज जो इन सब से जटिल है, उसका नाम है त्रिकोणमिति, यानी ट्रिग्नोमेट्री। सुनिए
मार्कस क्या कहते हैं उसके बारे में। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कुड यूज ट्रिगोनोमेट्री टू वर्क आउट द रिलेटिव डिस्टेंस। महीने में दो बार जब चांद आधा होता है तो सूरज के ठीक सामने यानी सीधी रेखा में होता है। उस दिन धरती, सूरज और चांद के बीच एक परफेक्ट राइट एंगल यानी समकोण बनता है। वे नाप सकते थे कि धरती और सूरज के बीच बनने वाला कोण 1 डिग्री का 7वां हिस्सा है। त्रिकोणमिति के साइन फंक्शन से पता चलता है कि 1 डिग्री के 7वें हिस्से का मतलब है 1 का अनुपात 400। इसका मतलब यह है कि धरती से सूरज की दूरी चांद के मुकाबले 400 गुना अधिक है। यानी भारतीय गणितज्ञ धरती पर बैठे बैठे अंतरिक्ष नाप रहे थे। एक भारतीय गणितज्ञ ऐसा है जिसका जिक्र किए बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। उनका नाम था माधव। माधव ने यह साबित किया कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है या किसी संख्या में अनंत टुकड़े जोड़े जा सकते हैं। यानी गौर से सुनिए, 0 और 1 के बीच भी एक अनंत छिपा है, ये बताया माधव ने। गणित जिनका विषय नहीं है और इन जटिल विचारों से ऊब रहे हैं उनके लिए एक जरूरी जानकारी, गणित के सबसे जटिल सवाल पाई का मान क्या है, इसका भी जवाब दिया भारत ने। मार्कस, the mathematician Arabayata gave a very accurate approximation। 6वीं सदी के भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पाई का मान 3.1416 है। इसके आधार पर उन्होंने धरती की परिधि को नाप दिया। उन्होंने बताया कि धरती का घेरा 24,835 मील है, जो लगभग सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इसका पूरी तरह सही उत्तर दिया 15वीं सदी में माधव ने। माधव ने इसके लिए अनंत का सहारा लिया। पाई के बिना इंजीनियरों का काम नहीं चल सकता। पाई दरअसल किसी भी वृत्त के व्यास और परिधि का अनुपात है। जहां कहीं मोड़ या घुमाव आता है उसे समझने के लिए पाई की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, बीज गणित की तो बात ही नहीं हुई इतनी देर में, जो अरबों की देन है, अल जबरा। क्या करें, समय ही नहीं मिला, समय भी गणित है। ये बेबीलोन के लोग थे जिन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में, 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा। समय की कहानी फिर कभी, समय मिलने पर।